नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन गज़ल। गज़ल का नाम है ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। ये गज़ल के सिंगर हैं चंदन दास जी। तमन्ना एल्बम से ये गज़ल ली गई है। तो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोग देख सकें मेरे नए नए अपलोडेड वीडियो सबसे पहले। और मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बात और बता दें आपको, जिन भाइयों को ऑनलाइन कीबोर्ड क्लास मुझसे ज्वाइन करना हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वीडियो पर भी शो हो रहा है, तो वहाँ से मेरा नंबर लेके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। और इस गज़ल का जिस भाई को नोटेशन चाहिए हो तो ₹150 पे करके नोटेशन पा सकता है। तो चलिए गज़ल को स्टार्ट करते हैं। स्केल है डी शार्प माइनर, जिसका कार्ड ये रहा। तो चलिए स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट आता है प्रीलिउड में, तो स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट सीखते हैं पहले टाइमिंग में, फिर स्लोली वन फिंगर से। तो चलिए अब वन फिंगर से स्लोली देखिएगा। इसके तुरंत बाद सितार का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिएगा पिच बैंड का यूज हुआ है। कैसे प्ले करना है, इसके तुरंत बाद फिर स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा कैसे। तो इतना था प्रीलिउड। तो चलिए स्थाई के बोल को सीख लेते हैं। लाइन है ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। दो बार प्ले करना है, देखिएगा। फिर आगे लाइन है जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, देखिएगा ये लाइन कैसे प्ले होगी। फिर आगे लाइन आ जाती है ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम। फिर आगे लाइन आ जाती है ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। तो मित्रों, इतना था प्रीलिउड और स्थाई। तो चलिए फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीखते हैं। फर्स्ट इंटरल्यूड में सबसे पहले स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट है, इसके बाद सितार है, फिर स्ट्रिंग है, फिर सितार है। तो चलिए स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट सीखते हैं पहले टाइमिंग में, बाद में स्लोली। कैसे प्ले करना है, इसके तुरंत बाद सितार
प्ले करना है आपको, देखिएगा टाइमिंग में। कैसे? फिर स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट आ जाता है। कैसे? फिर सितार का म्यूजिक पार्ट आ जाता है। स्लोली देखिए, इसके तुरंत बाद सैक्सोफोन का म्यूजिक पार्ट है। पहले टाइमिंग में देखिएगा, बाद में स्लोली बताता हूं। तो अब चलिए स्लोली देखिएगा। तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड। तो चलिए अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। लाइन है, तू जिंदगी है तुझसे रहें दूर किस तरह। देखिएगा ये लाइन कैसे प्ले करना है आपको। इसके बाद स्ट्रिंग का फिलर है, स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट है, देखिए कैसे प्ले करना है आपको। टाइमिंग में देखिएगा, चलिए स्लोली देखिएगा। फिर से यही लाइन रिपीट होती है, तू जिंदगी है तुझसे रहे दूर किस तरह है। देखिएगा फिर आगे लाइन है, मर मर के जी रहे हैं तेरे गम में इस तरह है। इसी प्रकार ये भी प्ले होगा। फिर आगे लाइन है, तेरे गम में इस तरह है। कैसे प्ले करना है फिर से देखें। फिर आगे लाइन है, इल्जाम जैसे कोई लिए जा रहे हैं। देखिएगा ये लाइन। फिर यही लाइन रिपीट होगी। फिर आगे लाइन है, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम। देखिएगा ये लाइन। फिर आगे लाइन है, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा के बोल। तो अब चलिए सेकेंड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीखते हैं। सेकेंड इंटरल्यूड में सबसे पहले सितार का म्यूजिक पार्ट है। तो पहले सितार के म्यूजिक पार्ट को टाइमिंग में सीखते हैं, बाद में स्लोली सिखाता हूँ। देखिएगा
कुछ इस प्रकार प्ले करना है। चलिए वन फिंगर से देखिएगा स्लोली, पहला पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इसके बाद स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट आ जाता है। पहले टाइमिंग में देखिएगा, बाद में स्लोली बताता हूं। कुछ इस प्रकार आपको प्ले करना है। चलिए आप स्लोली देखिएगा, और एक बार टाइमिंग में देखिएगा, इसके बाद सितार का म्यूजिक पार्ट आ जाता है। देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। चलिए आप स्लोली देखिएगा, तो मित्रों इतना था सेकेंड इंटरल्यूड। तो चलिए अंतरा के बोल को सीखते हैं। लाइन है, कहते हैं लोग जिंदा ही तुझसे बिछड़ के हम, देखिएगा ये लाइन, इसके बाद स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट है। वन फिंगर से देखिएगा, फिर से यही लाइन पुनः रिपीट होती है, कहते हैं लोग जिंदा ही तुझसे बिछड़ के हम। फिर आगे लाइन है, लेकिन तेरी जुदाई ने बिछड़े हुए सनम, देखिएगा इसी प्रकार प्ले होगा। फिर आगे लाइन है, बिछड़े हुए सनम, फिर आगे लाइन है, कांधों पे अपनी लाश लिए जा रहे हैं हम, फिर यही लाइन रिपीट होती है। फिर आगे लाइन आती है, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, फिर आगे लाइन है, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, तो मित्रों इतना था सेकेंड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल। तो अब चलिए थर्ड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीखते हैं। दोस्तों एक बात बता दें आपको, इस गजल में फर्स्ट इंटरल्यूड और थर्ड इंटरल्यूड सेम है, जिसको मैं पहले बता चुका हूं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए थर्ड अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। लाइन है, दिल रो रहा है आंख में आंसू मगर नहीं, देखिएगा ये लाइन,
स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट। फिर से यही लाइन रिपीट होगी। आगे लाइन है, रुसवा ना तेरा प्यार हो फरियाद से कहीं, इसी प्रकार प्ले होगा। फिर आगे लाइन है, फरियाद से कहीं। फिर आगे लाइन है, इस डर से अपने होंठ सिए जा रहे हैं हम। फिर यही लाइन रिपीट होगी, इस डर से अपने होंठ सिए जा रहे हैं हम। फिर आगे लाइन है, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम। फिर आगे लाइन है, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, दो बार प्ले करना है। तो मित्रों, इतनी थी ये गज़ल। गज़ल बहुत प्यारी है, मुझे भी बहुत पसंद आई। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने 400 रुपये पे करके इसका ट्यूटोरियल बनवाया है। आशा करता हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी, सीखिएगा, बहुत प्यारी गज़ल है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।